सो जी, पेंट का सामान आ चुका है। जो वॉल मुझे पेंट करनी थी उसके लिए सब पेंट आ गया। पेंट का काम स्टार्ट करना है और पहले बालकनी में करके प्रैक्टिस करते हैं। अगर वहाँ पे अच्छा हुआ तो फिर हम अंदर भी करेंगे। मम्मी वाले रूम में एक वॉल पेंट करने की सोच रहे हैं, जहाँ पे फोटो वॉल बनाने का हमारा प्लान है। तो उसके लिए सारी फैमिली की फ़ोटोज़ हमें रेडी करने हैं, कौन कौन से बेस्ट रहेंगे वो, और फ़ोटो फ्रेम्स लेके आने हैं। और उसके बाद एक और चीज़ है, अभी वो लेने गए हैं इलेक्ट्रिक का थोड़ा सा सामान, क्योंकि वहाँ पर मैं एक लैंप लगाने की सोचूँ, जहाँ के लिए सॉकेट तक डोरी पहुँचाने में थोड़ा सा एक्सटेंशन चाहिए। तो एक्सटेंशन लेने गए एक तरह से। एक दो चीज़ और हैं जो कि इलेक्ट्रिक की चाहिए। टाइम तो काफ़ी कुछ है, लेट्स सी कितना मैं उसको अप्लाई कर पाती हूँ। बाकी हम 3 बजने वाले हैं, 3:30 शिवांश की छुट्टी होगी। बीच का टाइम देखते हैं, घर जाते हैं कि स्कूल के सामने कार रोक लेंगे। लेट्स सी, आने दो, डिस्कस करते हैं क्या करते हैं। और लंच हमारा रेडी है, घर जाके लंच करेंगे और फिर काम को आगे देखते हैं कैसे करते हैं। और देखो कितनी अच्छी ना धूप निकली है पूरे हैदराबाद में। आई होप धूप निकली हो, हमारे एरिया में तो कोकापेट में तो काफ़ी अच्छी धूप है। नारसिंगी में फ़िलहाल, तो नारसिंगी से कोकापेट जाने में सिर्फ एक सामने वाला जो ब्रिज है वो कनेक्टिंग ब्रिज है, बाकी जैसे ही नारसिंगी क्रॉस होता है एकदम से कोकापेट आ जाएगा ब्रिज क्रॉस करते। पर बहुत सारी जगह पर हमारे भी बिल्डिंग के नीचे सेलर में पूरे में पानी भरा हुआ है, पता नहीं कैसे ब्लॉकेज हो रही है कि क्या हो रहा है। घर जाऊंगी तो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि जब हम आए तो इसकी वजह से आई थिंक हमारी एक लिफ्ट भी बिल्कुल रुकी हुई है और दूसरी लिफ्ट से आते हुए पूरा पानी में से निकल के आने पड़ रहा है। पता नहीं, मे बी कल तक ठीक हो जाए। भी सब ने पंप वगैरह का फिटिंग कराया है एसोसिएशन ने, बेचारी एसोसिएशन में बहुत काम करना पड़ता है जब रेनी सीजन होता है। मैं भी थी एसोसिएशन में, उस टाइम पे इतनी बारिश नहीं हुई थी और पता नहीं चलता किसके एसोसिएशन के टाइम पे कितना काम पीछे से आ जाए अपार्टमेंट का। तो गुड लक एसोसिएशन वालों को, बहुत मेहनत है यार ये काम ना, बिना किसी रिटर्न के और प्रॉपरली डेडिकेटेड काम करना पड़ता है। फिर जाके आपको पानी दिखाऊंगी कैसा भरा है हमारे सेलर में ना, बेसमेंट में यहाँ पे कार पार्क करते हैं। मैं क्या शूटिंग देखूँ, मेरे तो घर से दिखती है। अभी तो लोग खड़े हैं वहाँ। गए यार सब, गए। गए नहीं, खड़े ना। अभी भी खड़े हैं। हाँ। क्या हो रहा है? पता है इंडिया में ना 1 मिनट में कुछ भी देख सकता है आदमी खड़े होकर। देखो सब लोग गए हैं, सब लोग अपने व्लॉगिंग के कैमरा लेके शुरू हो गए। सब क्या हो रहा है भाई नीचे, आओ देखना। मैं नहीं पहचान पाऊंगी इन लोगों को, यहाँ के एक्टर को मैं पहचान नहीं पाऊंगी। देख लो, तुम ही देख लो, आप ही चेक करो। तो मैं रोता हुआ कैमरा लेके फोन के देख लो, ये देखो मेन रोड पे, रिंग रोड पे क्या हो रहा है यहाँ, इतना पानी। और इसको देखने के लिए पूरी जनता जुटी है वहां से, देखो सब पानी आ रहा है। इसको देखने पूरी जनता यहाँ पे रुकी हुई है। पर हम भी जनता में से ही है यार, मेरे जनता रुकी है, जनता में ही हमने क्या हो गया है। लेने गए थे हस्बैंड मेरे वायर वहाँ से और लेके आए समोसे। मैं सोच रही हूँ 8 मीटर वायर लेके आनी थी, ये कितना सा पैकेट लेके आए। तो समोसे लेके आए सबके लिए, बोल रहे गरम गरम बन रहे थे, तो मुझे लगा लेके चलता हूँ। और अभी वो फ्रूट्स ले रहे हैं और 15 मिनट्स आ गए, शिवांश के स्कूल ही जाएंगे हम, डायरेक्ट स्कूल लेके घर पहुँचेंगे। बारिश में कोई भी ऐसा फ्रूट नहीं आता कि लिया जाए, तो क्या फीके होंगे तो। हाँ बिन मौसम के तरबूज खा रहे हैं। चलो शिवांश को लेने चलते हैं अभी तो। मेरे हस्बैंड बाइक वाले से बात कर रहे हैं, कैसी बाइक का रिव्यू ले रहे हैं। इसका
तो जी हम शिवांश के स्कूल के बाहर कर रहे हैं वेट, हम नहीं, मैं, मेरे हस्बैंड गए अंदर शिवांश को लेने। जब बसेस निकलती हैं उसके बाद ही बच्चों को निकलने देते हैं जिनके पेरेंट्स आने वाले होते हैं, नहीं तो अंदर थोड़ा ना मिसमैनेजमेंट सी हो जाती है। सो गाइज आई एम वेटिंग फॉर हिम, शिवांश आ जाएगा फिर चलेंगे घर। मेरे हस्बैंड लेने गए हैं शिवांश को और हम शिवांश के स्कूल के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। पहले स्कूल बसेस निकलेंगी, उसके बाद जो पेरेंट्स लेने आते हैं उनके पेरेंट्स बच्चों को लेके आ पाते हैं। तो बैक कैमरा करती हूँ, गेट की तरफ आने वाला होगा। आएगा चहकता हुआ कूदता हुआ, बहुत लंबा टाइम है यार इनके स्कूल का ना, 4 बजे तक छुट्टी करना बहुत बड़ी बात है, छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल थक जाते हैं। वो राजवंश आ गया, उसके पापा देखते हैं बेटा मम्मा का। अभी इसको नहीं पता मैं कार में बैठी हूँ। नाम बता दिया मेरा। हेलो शिवांश जी। हेलो। उसको इधर रख लेंगे। बर्गर भी है क्या? बर्गर नहीं है, समोसे हैं। बहुत तेज नाक चलती है तुम्हारी वैसे। कैसा रहा आपका दिन? बहुत अच्छा। ये भी बेचारा शिवांश, स्विमिंग पूल रेडी है हमारे अपार्टमेंट में। कम इधर से चलते हैं, पानी बहुत है बेटा। स्विमिंग पूल फ्री का, स्विमिंग पूल ऐसे पैर ऊपर। कम हो गया पता है, जब हम आए थे ना बहुत पानी था, देख पूरा भरा है। सुबह भी पापा गोदी लाए थे, अभी मत उतर, रुक जा, अब उतर। ना 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 शिवांश, गीले हो जाएंगे, सूखेंगे नहीं फिर। पूरा सेलर हमारा भरा हुआ है पानी से। स्विमिंग पूल बन गया। ऑन कर दिया, आ रही है, आ रही है, लिफ्ट आ रही है। वेट शिवांश, और वहाँ पे ना पंप लगा हुआ है, उसके थ्रू ये बाहर निकाल रहे हैं। रोक के रख, पापा भी आ रहे हैं। तो जी शाम हो चुकी है और शिवांश जी स्कूल से आके पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर ये सो गया था। और कितना भी बोल दो ये लड़का सीधा बैठ के नहीं पढ़ सकता। कौन प्रवेश? कौन चलो चलो पढ़ो। रॉड 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 कुछ नहीं होता। रॉड कुछ नहीं होता? अरे ये तो यहाँ है ना, वो तो रॉड था। रॉड ऑड फैमिली में रॉड नहीं आएगा क्या? हो गया शिवांश को आज? शिवांशी शिवांश के लिए मैंने मंगाया था स्कूल बैग और उसको देती हूँ वो, मैं बताना भूल गई और उसको भी, उसने भी नहीं पूछा है कि नहीं, मैं दिखाती हूँ। देख खोल, बैग है। हाँ बैग है। चेयर बेड पे किसने रखी है ये? उतारो उसको। मुझे नहीं पता। उतारो। मुझे पता था। सब कुछ इसे पता ही रहता है। अब जो अभी वाला बैग है ना उसमें स्केट रख के ले जाना, ठीक है? ओपन करके देख कैसा है। ओपन करके एकदम ब्लू ब्लू सा है।
इसके अंदर ना आगे लंच बॉक्स रख लेना, बीच में बुक्स रख लेना, और बैक साइड में एक्स्ट्रा क्लोथ्स रखते ना वो रख लेना। कम सो गाइज, ज़्यादा कुछ मैं ऐड नहीं कर पाई आज के ब्लॉग में, थोड़ा बहुत ही जो भी है आज का छोटा सा ब्लॉग, आप प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। और मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, कुछ डिफरेंट सा करूँगी, कुछ ना कुछ नया होगा। और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, सारे रीति रिवाज फॉलो कीजिए प्लीज़ गाइज। और सी यू टुमॉरो इन अ न्यू ब्लॉग, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।